वार्ड नंबर 26 के समाज सेवी राजीव मिश्रा द्वारा दो दिवसीय कैंप का आयोजन। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 26 के समाज सेवी राजीव मिश्रा के आवास पर स्थित कार्यालय में वार्ड के लोगों के सुविधा हेतु सभी तरह के जरूरत के दस्तावेज बनाने के लिए 13 फरवरी से 14 फरवरी तक दो दिवसीय मुफ्त कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है। इस कैंप में वार्ड के सैकड़ों लोगों ने अपना अपना पूरा दस्तावेज बनवाया। इसके लिए लोग अपना आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल साथ लेकर आए और अपने दस्तावेज को पूर्ण करवा कर गए। इस दौरान लोगों में काफी खुशी देखी गई। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 26 के टीचर्स कॉलोनी के समाज सेवी राजीव मिश्रा लगातार लोगों के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने हमेशा से वार्ड के लोगों के हित में होने वाले जरूरत के सभी कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दो दिवसीय कैंप को लेकर वार्ड के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। लगा है और क्या हो रहा है? राजीव मिश्रा के द्वारा लगा है कैंप और सभी तरह का यहाँ पर कागज पत्र बन रहा है, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, शुल्क कार्ड, यही सब बन रहा है। क्या है यहाँ, मतलब यहाँ मोहल्ले के लोग आ रहे हैं कि बाहर से भी आ रहे हैं? बाहर से भी आ रहे हैं, मोहल्ले के लोग भी आ रहे हैं, जिसको जरूरत है सब आ रहे हैं। यहाँ पैसा भी सभी लिया जा रहा है? ना, पैसा से नहीं लिया जा रहा, निःशुल्क किया जा रहा है। हाँ, निःशुल्क किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शबनम आरा। कहाँ से आए हैं? हम यहीं से आए हैं। पहले रहते थे 25 वार्ड में, अब 26 वार्ड में मेरा घर है। 26 वार्ड के जनता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ये राजीव मिश्रा के तरफ से किया गया है। उनकी पत्नी भावी प्रत्याशी है यहाँ वार्ड नंबर 26 से, और हम लोगों के बीच एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कैंप लगाया गया यहाँ पर, जो जिन लोगों को आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ई श्रम कार्ड नहीं है, या आयुष्मान भारत का जो कार्ड है प्रधानमंत्री योजना का, जिनके पास नहीं है, उसका एक कैंप लगाया गया है और वही कार्यक्रम चल रहा है अभी। ये आज 13 फरवरी से शुरू हुआ है, सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा। ये 14 फरवरी को भी है, यदि उसमें भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो इस कार्यक्रम को और आगे भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये जो शिविर लगा है, इसमें क्या मतलब कि पैसा लिया जा रहा है? नहीं, ये निःशुल्क है। निःशुल्क है, इसमें किसी भी कार्ड के लिए, किसी भी चीजों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, इसमें वार्ड नंबर 26 के ही जनता बना सकती है या फिर कहीं? नहीं, ये सिर्फ वार्ड नंबर 26 के लिए कैंप लगाया गया है, दूसरे वार्ड का नहीं है। परिचय बताओ। मेरा नाम सुरेश झा है, मैं वार्ड नंबर 26 टीचर्स कॉलोनी का निवासी हूँ।